सो है देयर दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एनिमे न्यूज़ नेटवर्क इंडिया पे। एंड गाइस, आज हमें फिर से बहुत सारे ऑसम अपडेट मिल चुके हैं एंड इन सभी अपडेट्स के बारे में हम डिटेलली बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना एंड इसके साथ सब्सक्राइब नहीं करना, ऐसे ही बहुत सारे ऑसम अपडेट मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा के और पे क्लिक कर दो। सो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। हमारा पहला अपडेट है क्रंचीरोल के ऊपर। बहुत सारे एनिमेस जो है अवेलेबल हो चुके हैं, जिनमें से पहला एनिमे है गोब्लिन स्लेयर एंड दूसरे एनिमे का नाम है कुमा 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 बेर एंड तीसरे एनिमे का नाम है द हीरो इज ओवर पावर्ड बट ओवरली कॉशियस एंड इसके साथ चौथे एनिमे का नाम है शिकीमोरी इज नॉट जस्ट अ क्यूटी एंड इसके साथ फिफ्थ एनिमे का नाम है शिरोनेको प्रोजेक्ट जीरो क्रॉनिकल्स एंड इसके साथ सिक्स्थ एनिमे का नाम है जुंजी इटो कलेक्शन एंड इसके साथ सेवेंथ एनिमे का नाम है ही हीरो आफ्टर बींग रिजेक्ट शेवन एंड टूक इन हाई स्कूल रनवे एंड इसके साथ ये सभी एनिमेस जो यानी कि ये सारे सातों सात एनिमेस जो है हिंदी डब के साथ अवेलेबल नहीं है बट इंग्लिश डब एंड इसके साथ जापनीज डब विद इंग्लिश सबटाइटल्स में अवेलेबल है। तो अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो इनमें से कोई भी एनिमे। हमारा अगला अपडेट है फिर से क्रंचीरोल इंडिया के बारे में, क्योंकि गाइस अभी क्रंचीरोल के ऊपर जो है दो एसेंशियल या फिर तो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस अवेलेबल हो चुके हैं, जो कि है हिंदी डब ऑन क्रंचीरोल एंड इसके साथ सबटाइटल्ड इन हिंदी। यानी कि अभी सेक्शंस जो होते हैं ना वो अलग से एनिमेस को डिफाइन करते हैं, लाइक इंग्लिश डब्ड एनिमेस, इंग्लिश सब्ड एनिमेस एंड इसके साथ ऐसे बहुत सारे एनिमेस का सेक्शन होता है एंड उनमें से जो है मेनली हिंदी डब एंड हिंदी सब का जो है अभी सेक्शंस नया खुल चुका है या फिर तो कह सकते हैं अवेलेबल हो चुका है क्रंचीरोल पे। एंड दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को जो है सर्च करके देखना था कि कौन कौन से एनिमेस जो है हिंदी डब में अवेलेबल है एंड अभी जो है वैसा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है क्रंचीरोल पे दिख जाएगा हमें कि कौन से एनिमेस जो है हिंदी डब के साथ अवेलेबल है एंड डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं एंड दैट्स रियली गुड थिंग। हमारा अगला अपडेट है बोरुटो के बारे में, क्योंकि गाइस बोरुटो का एनिमे वन जो है कंप्लीट होने वाला या फिर तो कह सकते हैं एंड होने वाला है 26 मार्च को एंड ये जो है पूरा बोरुटो एनिमे ही खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ सीजन वन कह सकते हैं या फिर तो कह सकते हैं पार्ट वन था बोरुटो एनिमे का। सो दिस इज नॉन एज बोरुटो एनिमे वन एंड इसके साथ बहुत ही जल्द जो है खत्म होने के ठीक बाद अनाउंस हो जाएगा बोरुटो एनिमे टू का, जो कि हम कह सकते हैं सीजन टू या फिर तो कह सकते हैं पार्ट टू। एंड अभी सीजन वन में तो बहुत ही बेकार चल रहा है स्टोरी लाइन, आई होप कि सीजन टू बहुत ही बढ़िया हो, दैट विल बी रियली गुड थिंग। हमारा अगला अपडेट है बेब्लेड बर्स्ट सर्च जो है अवेलेबल होने वाला है अप्रैल 1st से नेटफ्लिक्स के ऊपर एंड इसके साथ ये जो है हिंदी डब नहीं होने वाला बल्कि इंग्लिश डब होने वाला है एंड सबटाइटल्स भी इंग्लिश ही होने वाला है, ना कि हिंदी सबटाइटल्स। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम नेटफ्लिक्स यार हिंदी डब के लिए, लाइक अभी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आगे जाके शायद से डब ला दे वो लोग, बट अभी अगर आप लोग देखना चाहते हो इंग्लिश डब के साथ तो जाके देख सकते हो। ऑलरेडी डिज्नी चैनल ने जो है हिंदी डब के साथ एयर कर दिया था एंड अभी जो है बेब्लेड बर्स्ट स्क्वाड ड्राइव चल रहा है, रिपीट टेलीकास्ट कर ही रहे, लाइक लिटरली 2-3 महीने से टेलीकास्ट कर ही रहे, रिपीट टेलीकास्ट बार बार क्वार्टर का, दैट्स यू नो आई गेस काइंड ऑफ अनोइंग। हमारा अगला अपडेट है डेमन स्लेयर का सीजन 3 मूवी जो है रिलीज होने वाला है इंडिया में भी। आप लोगों को याद होगा मैंने पिछली बार कहा था कि पाकिस्तान में रिलीज होने वाला है, तो अभी इंडिया में भी जो है रिलीज होने वाला है। पीवीआर ने अनाउंस कर दिया इसे, जो कि रिलीज होने वाला है मार्च 17th को एंड इसके साथ अगर हिंदी डब की बात किया जाए तो वी आर नॉट श्योर कि हिंदी डब होने वाला है या तो इंग्लिश डब ही होने वाला है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये जो है जापानीज डब के साथ ही होने वाला है विद इंग्लिश सबटाइटल्स। एंड ये मूवी नहीं है बल्कि जो है सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड होने वाला है, जो कि स्पेशल एपिसोड है, जो कि अराउंड 40-50 मिनट्स का होने वाला है। सो अगर थिएटर में देखना चाहते हो तो पास वाले पीवीआर में जाके देख सकते हो, टिकट्स बुकिंग के लिए बहुत ही जल्दी ओपन होने वाला है, सो यार देख के एंजॉय कर सकते हो। हमारा अगला अपडेट है नारुतो एनिमे के बारे में। यस गाइस, क्योंकि नारुतो के एनिमे में जो है एज आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है नारुतो एनिमे के जो है एपिसोड्स आने वाला है एंड ये जो है स्पेशल एपिसोड्स होने वाला है, जो कि नारुतो के शिपुडेन के साथ जो है 4 एपिसोड्स आने वाले हैं, यानी कि ये 4 एपिसोड्स जो है नारुतो शिपुडेन के साथ एडेड होने वाले हैं। 4 से ज्यादा नहीं होने वाले एपिसोड्स, क्योंकि ये जो है एनिवर्सरी के तौर पे यानी कि 20th एनिवर्सरी जो कि है नारुतो एनिमे को स्टार्ट करके जो है 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुके, तो इसके ऊपर जो स्पेशल बना के 4 एपिसोड्स टेलीकास्ट करने वाले हैं जापान में, जो कि टेलीकास्ट होने वाला है सितंबर के महीने में। 4 एपिसोड्स आने वाले हैं, टोटली कंप्लीट हो जाएगा सितंबर में ही 4 एपिसोड।
इसका ज़्यादा डिटेल्स जो है नया वीडियो बना के बता दूंगा, या फिर तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा अपने एनिमे कंटेंट चैनल पे। अगर आपको पता नहीं तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जो कि एनिमे वॉल्ट एक्स, उस चैनल का नाम। एंड ऑल्सो इस चैनल को भी तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दो, ऐसे ही बहुत सारे ऑसम अपडेट मिलते रहने के लिए। एंड इसके साथ वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा लोगों तक जो अपडेट रीच हो। सो बस इतनी ही, मार्च का वीडियो मिलता हूं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा। I'm not in the mood and sleeping in the middle of a